हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। शुरू करते हैं यार, इम्पोर्टेंट करंट है। देखिए, हालांकि जो यूपी का एग्जाम आता है उसमें ज्यादातर आप लोगों से ये करंट पूछे जाते हैं, जो यूपी और बिहार है। हो सकता है कि किसी भी स्टेट लेवल के, मतलब किसी भी स्टेट में, ज्यादातर अगर आप अपना नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देख रहे हैं तो करंट का आपके जुडिशियल सर्विसेज में थोड़ा बहुत रेलेवेंस आ जाता है, खासकर की वो करंट जो कि कल्चर से रिलेटेड है। तो इस वाले करंट में कल्चर से रिलेटेड ही बात हो रही है। अपन बात कर रहे हैं किरण रिजिजू की। पहली बात आपको बता दूं, किरण रिजिजू हमारे इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर है और ये पहले कभी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी रिप्लेस हो गए हैं और अभी ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है नहीं, इनको कोई और मिनिस्ट्री दी है। बट जब ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, मतलब अभी कुछ महीनों पहले ही ये थे और अभी कुछ हफ्तों पहले चेंज हुए हैं, तो इन्होंने पहली जो मूवी है इंडिया की जो कि तगिन लैंग्वेज में बनी है, फर्स्ट मूवी विच इज एंटायरली मेड इन तगिन लैंग्वेज, अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है ये लैंग्वेज, वो रिलीज करी है। पूरी मूवी का नाम है लव इन 90s। और इस पूरी की पूरी मूवी में क्या है, तो ये डिपिक्ट करती है वाइब्रेंट और कलरफुल वर्ल्ड किसका, 90s का। जब ये तगिन कम्युनिटी के, अगर मैं पर्सपेक्टिव की बात करता हूं, तो तगिन कम्युनिटी 90s में किस तरीके से बिहेव करती थी और आज की डेट में बात करते हैं तो कहां पे रहती है, तो सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर आज भी आपको मेजॉरिटी में तगिन कम्युनिटी के लोग दिख जाएंगे। इस मूवी को डायरेक्ट किया है तपेन नथम ने, और ये फिल्म आप लोगों को बताती है अबाउट द रिच कल्चर ट्रेडिशन और जो लोकल फिल्म मेकिंग इनिशिएटिव्स हैं अरुणाचल प्रदेश के। कुछ इस तरीके से पोस्टर रिलीज किया गया था इस मूवी का, लव इन 90s, एंटायरली तगिन लैंग्वेज में है। ये हमारी मिनिस्टर है जो सेंटर में आप देख रहे हैं, ये है किरण रिजिजू। और बाकी इस, मतलब अपने जो पूरी मूवी के स्टार कास्ट के साथ साथ डायरेक्टर ये भी इंक्लूडेड है। तो जैसे कि मैंने बोला कि लव इन 90s ये फिल्म क्या डिपिक्ट करती है, तो ये लव स्टोरी है जो दो यूथ की है और 1990s में अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके से इन्होंने चैलेंजेस को फेस करे उसके बारे में ये मूवी है। बट उससे भी इम्पोर्टेंट मूवी ये क्या डिस्प्ले करती है, ये इंडिया का कल्चरल हेरिटेज को डिपिक्ट करता है कि हमारे पास वैरायटी ऑफ कल्चर्स एक छोटे से नेशन में रहते हैं। बात चलते हैं सेकेंड करंट अफेयर की तरफ। ये बात हो रही है अजय विज की। अजय विज को अभी अपॉइंट किया गया है कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसेंचर, जो कि अभी अभी एक कंपनी में एक बहुत ही ज्यादा न्यूली क्रिएटेड रोल है। हालांकि क्या ये काम करता है तो मैं आपको बता दूं, बट पहले उससे पहले आपको बता दूं कि ये कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम है एसेंचर्स इंडिया मार्केट यूनिट, मतलब एसेंचर कंपनी का नाम है और इसकी जो इंडिया मार्केट यूनिट है उसके हेड के रूप में आपने अजय विज को अपॉइंट किया है, मतलब उसके MD के रूप में। हालांकि इस कंट्री के जो हेड ऑफ मार्केट यूनिट है इंडिया के, वो संदीप दत्त है। तो अपॉइंटमेंट आपके पास दो है, एक अजय विज है, एक संदीप दत्त है। इसके साथ साथ रेखा एम जो मेनन है, जो कि सीनियर MD और चेयरपर्सन है एसेंचर की, ये 30 जून को रिटायर होंगी। उसके बाद ये दोनों काम पर लग जाएंगे। पहली बात तो ये कंपनी क्या करती है, तो ये एक ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है जो कि रेंज ऑफ सर्विसेज और सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड करती है, स्ट्रेटजी में, कंसल्टिंग में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, ऑपरेशंस में। कंपनी बनी 1989 में थी, इसका हेडक्वार्टर डबलिन आयरलैंड में है, इंपॉर्टेंट है। ये अजय विज है और इसी के साथ रेखा एम मेनन और इसी के साथ में जो सेकंड डायरेक्टर मैंने आपको पढ़ाए थे संदीप दत्ता, जो कि हेड ऑफ एसेंचर इंडिया यूनिट है। तो ये तीनों लोग आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से। इसके बाद चलते हैं अपन लोग थर्ड करंट अफेयर की तरफ। ये है मार्क निकोल्स के बारे में। अगर मैं मार्क निकोल्स की बात करता हूं तो इनको भी अपॉइंट किया गया है अभी, मतलब इलेक्ट किया गया है एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मार्लेबॉन क्रिकेट क्लब। अगर हम लोग मार्लेबॉन क्रिकेट क्लब की बात करते हैं तो कहा जाता है दुनिया में सबसे पुराना और सबसे प्रेस्टीजियस क्रिकेट क्लब है ये। कब बना, 1787 में बना। फाउंडर है सर थॉमस लॉर्ड, इंपॉर्टेंट है। ये है सर मार्लेबॉन क्रिकेट के जो न्यू प्रेसिडेंट है, नाम है इनका मार्क निकोल्स। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ, जो कि फोर्थ है। और इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत बता दूं, ये करंट अफेयर आपके बैंकिंग से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारे पास ना RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक सुप्रीम बैंक है जो कि कंट्री का एपेक्स बैंक है। ये पूरी की पूरी कंट्री के फाइनेंशियल हेल्थ को रेगुलेट करता है, साथ के साथ कंट्री के सारे बैंकिंग जितने भी यूनिट्स हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम भी RBI का होता है।
अगर आप आजकल के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये बात कि जब भी हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आती है, सर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन जब चीजों के प्राइसेस एकदम से बढ़ने लगते हैं, तो जब भी हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आती है ना बेटा, तब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के तरह तरह के रास्ते दिखाता है, जैसे रेपो रेट बढ़ा देता है। रेपो रेट सब चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स की क्लास में कि रेपो रेट क्या होता है, और इसको पढ़ने के बाद ना आप लोग अखबार पढ़ना सीख जाएंगे कि इसमें एक्चुअली में है क्या। तो आरबीआई के बारे में बात करते हैं, आरबीआई ने किया क्या था। आरबीआई की जून की खबर है ये जून 2020 की खबर, सॉरी 2022 की खबर है, और जून 2022 में ना आरबीआई ने अलाउ किया था टोकनाइजेशन। अब ये टोकनाइजेशन क्या है, अगर आप कभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं ना, तो आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड में दो तीन चीजें होती हैं, जैसे कि आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड में पीछे की तरफ सीवीवी नंबर लिखा होता है जो नॉर्मली 3 डिजिट का होता है, बट बहुत सारे डेबिट कार्ड में ये 4 डिजिट का भी आने लग गया है। इसके साथ साथ आप लोगों की एक्सपायरी, आपके क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट, क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट, आपका नेम और इसी के साथ में पिन, ये 4 चीजें आप लोगों को डालनी पड़ती थी, है ना। जब भी कभी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये 4 चीजें आप लोगों को डालनी है, और इन 4 चीजों को डालने के बाद एक ओटीपी जनरेट होता था, और ओटीपी को फिल करने के बाद पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। कुछ इसी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर या किसी भी जो आप लोगों की ई कॉमर्स वेबसाइट है, जब भी आप उससे कुछ खरीदते हैं तो अगर कार्ड से खरीद रहे हैं, अगर वो सीओडी नहीं है, तो ये सारी चीजें वो मांगे गए, भले वो डेबिट कार्ड हो या आपका क्रेडिट कार्ड हो। तो एक इंटरनेशनल कंपनी है वीजा, और इस वीजा ने क्या किया, इस वीजा ने आरबीआई की ये टोकनाइजेशन स्कीम को अडॉप्ट कर लिया है। मतलब क्या, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को आरबीआई की टोकनाइजेशन स्कीम में एनरोल करते हैं, तो इन सभी के बदले आरबीआई आपको एक टोकन नंबर देगा। इन 4 चीजों के बदले आरबीआई आपको एक टोकन नंबर देगा। तो जब भी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाएंगे, चीजों को खरीदेंगे, तो ये सारी चीजें डालने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक टोकन नंबर डालेंगे, और टोकन नंबर डालने के बाद ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी के साथ जैसे ही आप उसमें जो ओटीपी है वो डालेंगे, तो पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। तो ये टोकनाइजेशन क्या करता है, ये टोकनाइजेशन आपके कार्ड को और सिक्योर कर देता है। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि वीजा एक इंटरनेशनल कंपनी है, और अभी इसने इंडिया में आरबीआई का ये टोकनाइजेशन स्कीम अडॉप्ट कर लिया है। मतलब अब किसी भी ऑनलाइन पेमेंट को करने के लिए आपको कोई सीवीवी नंबर डालने की जरूरत नहीं है, और अभी ये केवल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए अलाउड है। मतलब कहने के लिए इंटरनेशनल कंपनी है ये, मगर अगर आप कोई इंटरनेशनल पेमेंट करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाओगे, ये केवल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए अभी फिलहाल अलाउड किया गया है। और ये टोकनाइजेशन क्यों है, ताकि 2-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस को ध्यान में रखा जा सके। हालांकि टोकन के बाद भी ओटीपी जनरेट होगा, ऐसा मत सोचना कि टोकन के बाद ओटीपी की कोई वैल्यू नहीं। तो इससे क्या होगा कि अब जो आप लोगों का पेमेंट मोड है ना, वो और भी फास्ट हो जाएगा। मतलब ये चारों चीजें डालने के बाद जो टाइम लगता था ना, सबसे बड़ी बात तो क्या है, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर जो कि 16 डिजिट का है, वो भी आपको पहले डालना पड़ेगा। उसके बाद सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट, नेम, पिन, 5 चीजों के बदले में एक टोकन मिल गया। इसलिए ओटीपी की यहाँ पर जरूरत क्यों है, बाय चांस अगर आपका टोकन नंबर लीक हो गया तो ओटीपी आपको बचा लेगा, इसलिए ओटीपी जरूरी है। चलते हैं वीजा के बारे में। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है, बहुत सारे देशों में वीजा के कार्ड मिलते हैं, इंडिया उसमें से एक है। एक कंपनी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया की है, और जो वीजा है ये फैसिलिटेट करती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को ग्लोबली बहुत सारे तरीकों से। इस कंपनी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, बहुत सारे कार्ड आते हैं, और पूरी दुनिया भर में ये कार्ड मिलते हैं, जिसमें इंडिया भी एक है। कंपनी कब बनी, September 18, 1958 में बनी। फाउंडर इसके डी हॉक है, और हेडक्वार्टर्स इस कंपनी का सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। चलिए फिलहाल आज के लिए आप लोगों के 4 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट मुझे लगे। अब चलते हैं अपन लोग अपने पॉइंट की तरफ और शुरू करते हैं पॉलिटी। मतलब अगर हम लोग अपने जीएस का पोर्शन देखें ना, तो आप लोगों की एसएससी लेवल तक का बेस्ट, मतलब एसएससी लेवल भी बहुत हाईएस्ट चला जाता है। स्केड्यूल्स की इंटरिम डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी, मतलब अभी पॉलिटी बचा है। पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री आएगा,
मैं आपको वैसे एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ बेटा, हिस्ट्री के बाद आप लोगों को पढ़ना है मेरे साथ ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी आएगा, फिर इकोनॉमिक्स, करंट तो आप लोग मेरे साथ देख ही रहे हैं, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मतलब अगर इन सभी को जोड़ दूं मैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन केवल आपके उत्तर प्रदेश के पेपर में आते हैं, और वो भी हिस्ट्री बैकग्राउंड से। अगर पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी के आप लोग क्वेश्चन देखेंगे केस में, जब आप लोगों की केस स्टडीज होंगी, मतलब अभी आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट की क्लास लेनी शुरू कर दी है ना, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाएंगे तब आप लोगों को केस स्टडीज पढ़ाई जाएंगे, मतलब किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वो एक अलग सब्जेक्ट है आपका, जिसमें आप लोग सुप्रीम कोर्ट की सारी वर्डिक्ट का अच्छे से एनालिसिस करेंगे, राइट बेटे? हेलो, यस सर। हाँ, तो इससे ज्यादा अलाउडेड आपको पढ़ना नहीं है, मतलब ये यूपीएससी नहीं कर रहे हैं अपन लोग, जीएस का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों की जुडिशियल सर्विसेज में आता है, और स्केड्यूल्स को एलैबोरेट करा जाएगा आगे, मतलब जैसे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं अभी हम फिलहाल, अभी मैंने शुरुआत फंडामेंटल राइट से कर दी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फंडामेंटल राइट से पहले मुझे एक चीज और पढ़ानी है जो कि है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप से रिलेटेड हमारे पार्लियामेंट ने क्या किया वो सारी चीजें, और इंपॉर्टेंट क्यों है सिटीजनशिप, क्योंकि इसी से रिलेटेड 2019 में एक अमेंडमेंट आया था जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट हुए थे इंडिया में, और उसी टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया में आए थे जब जो दिल्ली में राइट्स हो रहे थे, तो सिटीजनशिप पढ़ेंगे जो कि आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, हालांकि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से 35 है, तो आप लोग सीरीज वाइज पढ़ेंगे मेरे साथ, आर्टिकल्स अपन लोग ऑलमोस्ट सारे कवर कर रहे हैं मैम, मतलब डिटेल रहेगा ये, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा मेरा। सबसे पहले अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 12, अच्छा कोई मुझे बता सकता है किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं? इन विच पार्ट नंबर? पार्ट थ्री ना, वेरी गुड, पार्ट थ्री। मैम आपकी आवाज एक्चुअली मुझे ना अच्छे से आ नहीं रही है। आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में सारे फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट थ्री में है, और इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को हम लोग 6 कैटेगरी में बांटने वाले हैं। जिसमें से पहली कैटेगरी आपके पास आ जाती है राइट टू इक्वालिटी, और जैसे कि नाम से पता लग रहा है राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि हम लोग एक इक्वल सोसाइटी बनाने की बात यहां पर करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया की सोसाइटी कभी इक्वल रही नहीं है स्टार्टिंग से। क्यों भाई? अगर हम लोग वैदिक एज पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तब मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक एज में एक वर्ण सिस्टम डेवलप हुआ था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ ऐसे पूरी सोसाइटी को 4 तरह की जो वर्ण सिस्टम है या 4 क्लासिफिकेशन में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, और वो लोग जो किसी भी वर्ण सिस्टम में नहीं आ पाए, और उन लोगों को नाम दे दिया गया अनटचेबल्स, या कह लीजिए उस टाइम पे अनटचेबल्स नहीं होते थे ना, तो उन सभी कास्ट का नाम रख दिया गया था चांडाल, चांडाल या निषाद। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो उस टाइम पे यूज किए जाते थे सोसाइटी में। डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली में वही से शुरू होता है, धीरे धीरे ये डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी के रूट्स में जाने लगा, और बहुत हद तक फैलने के बाद फिर एक आवाज उठाने वाला इंसान पैदा होता है 1829 में, हालांकि पैदा तो पहले हो गया है, बट 1829 में आवाज उठाता है, नाम है राजा राम मोहन रॉय, और राजा राम मोहन रॉय के साथ हमारे इंडिया में सोशल रिफॉर्म का एक दौर शुरू होता है। राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था तो हमको सबको पता है, वेरी गुड, इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगवाया था। सती क्या था? मतलब हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ को हस्बैंड की चिता पर जिंदा बिठा दिया जाता था। तो इसके साथ आपके पास बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आने लगे, ईश्वरचंद विद्यासागर उसमें से एक थे, और बहुत सारी बुक्स भी लिखी जाने लगी। तब जाकर हमारे इंडिया में 1926-27 के टाइम पीरियड में जवाहरलाल नेहरू के फादर, जिनका नाम मोतीलाल नेहरू है, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट अंग्रेजों के सामने रखी थी। अगर मैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करता हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेहरू रिपोर्ट थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर, मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, अगस्त 1928, नाम है इसका नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया था तो बहुत सारे लोग थे, मगर नाम आता है मोतीलाल नेहरू का।
और मैं यहाँ पर वो क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में सबसे पहले हम इंडियंस के लिए फंडामेंटल राइट्स मांगे गए थे ब्रिटिशर्स के या ब्रिटिशर्स से। इंडियंस ने पहली बार ब्रिटिशर्स को बोला था कि सर हमको भी फंडामेंटल राइट्स चाहिए, हमको भी ह्यूमन राइट्स चाहिए, और उसी से नाम निकल कर आता है कि हमारे इंडिया में कुछ ह्यूमन राइट्स ऐसे होने चाहिए जिनको फंडामेंटल माना जाना चाहिए। फंडामेंटल कैसे, कुछ ऐसे राइट जिनके बिना सोसाइटी में ह्यूमन एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, जब हम आजाद हुए तब हम लोग अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया। जब हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को बोरो कर रहे थे बेटा, तब ये 7 कैटेगरीज थी, मगर आज की डेट में 6 कैटेगरीज है। तो ये 7th कैटेगरी को कब हटाया और उसमें क्या लिखा हुआ था, क्या आज वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन है, ये सारी चीजें हम इसी केस स्टडी में करेंगे। बट अगर मैं राइट टू इक्वालिटी की बात करता हूं, जो कि कैटेगरी नंबर 1 है, ये कैटेगरी शुरू हो जाती है आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर वैसे तो फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक है, राइट टू इक्वालिटी शुरू 14 से 18 तक है, तो ये आर्टिकल नंबर 12 और 13 में है क्या, उसके बारे में आज अब पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 12 के बारे में आपको बताता हूं। देखिए आर्टिकल नंबर 12 में लिखा हुआ डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी स्टेट वर्ड मेंशन देखेंगे तो उसका मतलब इंडिया के स्टेट से मत ले लेना। स्टेट का मतलब होता है जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज वर्किंग फॉर गवर्नमेंट, ये सारी चीजें स्टेट में कवर होती हैं। तो आर्टिकल 12 बोलता है कि जहां कहीं पर मतलब जहां कहीं भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट वर्ड लिखा देखेंगे तो इससे मतलब क्या समझना है। स्टेट से मतलब समझना है कि मैं लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव की बात करता हूं, और ये तीनों में यूनियन और स्टेट दोनों आ जाते हैं, यूनियन लेवल एंड स्टेट लेवल। यहां पर स्टेट जो मैंने वर्ड लिखा हुआ ना, ये इंडिया के 28 स्टेट से मेरा मतलब है। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इंडिया का सेंटर हो या स्टेट हो हर जगह पर, इसके साथ में सारी गवर्नमेंट कंपनीज और सारी प्राइवेट कंपनी जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, ये सब स्टेट में आती है। तो जहां कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट वर्ड लिखा देखेंगे उसमें समझ जाना कि मैं सभी की बात कर रहा हूं। कभी कभार ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जुडिशरी को स्टेट में काउंट किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल किया जाना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जिसमें पहला पिलर है लेजिस्लेटिव, फिर है एग्जीक्यूटिव और तीसरे आते हैं हम। मगर अच्छी बात क्या है कि ये तीनों पिलर्स हैं, पिलर्स का मतलब तीनों की हाइट इक्वल होगी तभी तो छत टिकेगी, और अगर हाइट इक्वल है इसका मतलब तीनों के एरियाज अलग अलग है, तीनों की पावर्स अलग अलग है, कोई भी पिलर किसी के अंडर काम नहीं करता है, यही ब्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में साफ साफ आप लोगों को बता दिया गया। और उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 13, जो कि शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की। आप में से कोई है जो मुझे बता सकता है जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू, चलिए वैसे देखते हैं है क्या, बट और किसके लिए बनाया गया था बेसिकली, और इसकी एम्बिट एक्चुअली में क्लियर नहीं है, एम्बिट क्लियर नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ना इसको ज्यादा मिसयूज कर लेता है कभी कभी। अब कैसे मिसयूज करता है मैं उसको आपको एक बार बता देता हूं। जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली में आर्टिकल 13 में था क्या, जुडिशियल रिव्यू में मेंशन था कि कोई भी एक्ट जिसको पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा अगर वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को,
तो ऐसे एक्ट को सुप्रीम कोर्ट नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। और सही बताऊं तो आज ये आर्टिकल 13 है हमारे पास, ये आर्टिकल 13 है आज हमारे पास, जिसकी वजह से आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ है। अगर बाय चांस ये आर्टिकल 13 हटा दिया जाए ना, जो कि हटाया भी गया था, आर्टिकल 13 को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटाया भी गया था। हमारी पार्लियामेंट ने बहुत बार बोला था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रिव्यू की शक्ति नहीं है। रिव्यू का मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई भी ऐसा एक्ट पास किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, अगर कोई भी ऐसा एक्ट पास किया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, या आप मतलब किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को वापस लेता है, तो ऐसे किसी भी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इसी के साथ में ना, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, हमारे पास एक वर्डिक्ट है पिछले साल की, वर्डिक्ट एनजीएसी के ऊपर है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एनजीएसी क्या चीज है? आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ फेवरेबिलिटी। हाँ बेटा वही है, इसी को आप लोग रिव्यू पिटीशन कहते हैं। एनजीएसी के बारे में पता है आपको? अच्छा वो छोड़िए, कॉलिजियम सिस्टम पता है? कॉलिजियम सिस्टम, क्योंकि जुडिशरी की बात थोड़ी बहुत कर रहे हैं तो शायद कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पता होगा। जी नो सर, नहीं पता। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत हमारे इंडिया में है क्या, वो है जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर। मतलब जजेस की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, तो एक कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें ना 5 जजेस बैठते हैं, जिसमें से एक होते हैं इंडिया के चीफ जस्टिस, और ये 5 की 5 जज होते सुप्रीम कोर्ट के ही हैं। तो ये 5 की 5 जज बैठ के डिसाइड करते हैं हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। हालांकि इस पूरी कॉलेजियम सिस्टम की कमेटी में डिसीजन लिए जाते हैं वोटिंग के हिसाब से। जैसे आपका नाम आया, अरुणिमा का नाम आ गया कि क्या क्या इनको हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए, 5 जजेस की बेंच है उस कमेटी में, अगर 3 ने बोला यस सर बना दो और बाकी 2 अगेंस्ट में चले गए, तो अरुणिमा का नाम आ जाएगा लिस्ट में। शिवांगी के लिए बोला गया कि आपको बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट का जज, 5 ने हाँ कर दी कि हाँ बना दो। तो कुछ इस तरीके से वोटिंग के आधार पर आप जजेस की लिस्ट तैयार करते हैं। मतलब कैसे काम करती है कॉलेजियम सिस्टम, ये तो आपको उनको आप हमको थोड़ा बहुत पता है कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या, बट किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है इसके बारे में नहीं बता उन्होंने आज तक बोला। अगर हम कॉलेजियम सिस्टम को बहुत ध्यान से पढ़े तो कॉलेजियम सिस्टम में ये तो पता है कि कैसे जजेस को अपॉइंट करेंगे, कैसे वोटिंग प्रोसेस चलेगा, मगर किन ग्राउंड्स के ऊपर जजेस को अपॉइंट किया जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है आर्टिकल, सॉरी कॉलेजियम सिस्टम, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कभी बताया। तो जब हमारी सरकार बदलती है सन 2014 में, जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी आती है, तब वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एक्ट NJAC एक्ट लेकर आती है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एक्ट, जो बोलता है कि सर अब ना अब 5 जजेस बैठ के नहीं अपॉइंट करेंगे जजेस को, अब इंडिया की चीफ जस्टिस, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज और बुला लो, इसके साथ में हमारी कंट्री का जो लॉ मिनिस्टर है वो भी बैठेगा, और हमारे कंट्री के लॉ मिनिस्टर के साथ हम कुछ जूरी मेंबर्स को और बुला लेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स को बुला लेंगे, और ये पूरी की पूरी कमेटी बैठ कर डिसाइड करेगी कि जज कौन बनेगा। समझ में आ गया बेटा, ये वॉर क्या चल रही है, वॉर चल रही है कॉलेजियम वर्सेस एनजीएसी। कॉलेजियम में केवल जजेस, यहां पे केवल सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की कमेटी, और यहां पर बहुत सारे लोग हैं, यहां पे चीफ जस्टिस है, इंडिया का लॉ मिनिस्टर है,
कुछ अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, और ये सारे मिलकर एक कमेटी बनाएंगे और ये डिसाइड करेंगे जज कौन बनेगा। एनजीएसी का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एक्ट। इसको पास किया गया था 2014 में भी, इसको पास किया गया था 2022 में भी, और दोनों ही टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्या बोलकर? कि भाई कॉलिजियम सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉलिजियम सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। और जब मैं आप लोगों को आर्टिकल 124 पढ़ाऊंगा ना बेटा, अभी फिलहाल बहुत सारी चीजें हो सकता है आपके सर के ऊपर से जा रही हो, मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि अच्छे समझ में आ रहा होगा, बट हो सकता है बहुत सारी चीजें सर के ऊपर से जा रही हो, मैं बट फिर भी एक आर्टिकल का जिक्र करूंगा क्लास में, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 क्या है? आर्टिकल 124 हमारे सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो भी वर्डिक्ट होगी ना, वो पूरी कंट्री में एज एविडेंस एक्सेप्ट की जाएगी, और कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। अगर कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाएगा तो इसका मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, हमारे कोर्ट का निरादर कर दिया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये परिभाषा आर्टिकल 124 में दे रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर जो ये आप पूरी की पूरी खिचड़ी बना रहे हो ना, जिसमें हमारा जो आपका जो जो आपकी कंट्री का जो लॉ मिनिस्टर है वो भी बैठेगा, एक्सपर्ट्स भी बुलाओगे आप, हमारे जजेस को भी बुलाओगे, और ये सब बैठकर अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जजेस कौन है, ये खिचड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि ये आर्टिकल 124 के हिसाब से सही नहीं है। कॉलिजियम सिस्टम हम बेसिक स्ट्रक्चर में मानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की खुद की पावर है कि वो अपने आप को चलाए। सुप्रीम कोर्ट ना तो लेजिस्लेटिव के अंडर आता है ना एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है। अब सवाल बन रहा होगा, ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव है क्या? देखिए, हमारी कंट्री में वो संस्था जो लॉ बनाती है, जो लॉ मेकिंग का काम करती है, आप उसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं, पार्लियामेंट जैसे। हमारी कंट्री में वो संस्था जो लॉ को इंप्लीमेंट करती है, दैट इज अपना कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। और इसके बारे में तो आपको बताइए, जुडिशरी का मतलब क्या? जो बने हुए और इंप्लीमेंट जो लॉ हो चुके हैं उसके बेसिस पर आप लोगों से जो जस्टिस करती है उसको जुडिशरी बोलते हैं। और ये मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि कोई किसी के अंडर नहीं आता, जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो, तीनों अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं। तो एनजीएसी एक्ट को आर्टिकल 124 के अंडर आपने दो बार नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है। दो बार नल एंड वॉइड का मतलब सर हम ये काम नहीं होने देंगे। और अगर आज की डेट में आपसे पूछा जाए ना कि जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं, तो आंसर आप कॉलिजियम सिस्टम पे ही टिक करेंगे। हालांकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसको चेंज करने के बड़े रास्ते अपनाए, बट सारे रास्ते फेल मार गए। समझ में आता है बेटा आप लोगों को ये बात दोनों को? yes, sir. तो आर्टिकल नंबर 12 और 13 तो समझ में आ गया। आर्टिकल 12 है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 13 है जुडिशियल रिव्यू। मैं केवल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि इस आर्टिकल का मतलब क्या है। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, आप एज इट इज इसकी वर्डिंग पढ़ सकते हैं। मैं केवल बता रहा हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिंग्स में ना जाकर कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग उठाऊंगा उसमें से, उसका इंटरव्यू मतलब क्या है वो आपको समझाऊंगा, क्योंकि बेसिक आइडिया क्या है अपना आनी चाहिए। यस मैम, शिवांगी जी कुछ बोल रहे हैं आप? नो सर। तो आर्टिकल नंबर 12 और 13 क्लियर हो गया। अब शुरू होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल आर्टिकल 14 से। तो अगर आपसे पूछा जाए 12 क्या है, सर 12 है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 13 क्या है जुडिशियल रिव्यू। अब इसके बाद शुरू होते हैं हम लोगों के सारे आर्टिकल्स। सबसे पहला तो आता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 बोलता है इक्वालिटी ऑफ लॉ। इक्वालिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या है? अब जो वर्डिंग्स मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। इक्वालिटी ऑफ लॉ का मतलब यह है कि जो स्टेट है वो डिनाई नहीं करेगा किसी भी इंसान को इक्वालिटी बिफोर द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहां पर पांच चीजों का जिक्र होता है। क्या क्या पांच चीजें? रिलीजन, जो बच्चे भूल जाते हैं, रेस, कास्ट
place of birth and sex. तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ट्रिब्यूनल किसी भी इंसान को जस्टिस से डिनाय नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइव थिंग्स. दोबारा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा था. आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाय एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. अब यहां पर जो हम लोगों ने पांच शब्द का यूज किया है, रिलीजन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब जितने भी हमारे इंडिया के रिलीजन है. रेस का मतलब होता है आपके कलर से, मतलब आपकी आपकी स्किन वाइट है या ब्लैक है, उसको आप बोलते हैं रेस. प्लस आपके जो फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं वो सब रेस में आते हैं. फिर आता है कास्ट. कास्ट का मतलब जो हमारे इंडिया में मैंने आपको बताया था वैदिक टाइम से शुरू हो गया था वो सारा बवाल कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है. प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स. तो इन पांच चीजों के ऊपर हमारा कोर्ट किसी भी इंसान को इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिनाई नहीं करेगा. मतलब क्या हुआ? इंटरिम मतलब इसका बड़ा आसान है. इंटरिम मतलब इसका ये है कि हमारी कंट्री में ऑल सिटीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ एंड इट अवॉइड्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए आर्टिकल नंबर 14 की डेफिनेशन लिख देता हूं. बेटा कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है प्लीज स्टॉप मी इन बिटवीन एंड आस्क मी योर डाउट्स. आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाय एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ. Equality before the law and avoids any kind of discrimination. Discrimination का मतलब भेदभाव. तो किसी भी इंसान से आप लोग equality deny नहीं करेंगे. मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये काम करेगी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली. ये मैं बार बार आप लोगों को बता दूं. कभी के बार ना आप सिंपल सिंपल चीजों को भूल जाते हैं. हमारी कंट्री का लॉ है तो हमारी कंट्री में काम करेगा. इंडिया के बाहर इंडिया के फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है. आप अपील भी नहीं कर पाओगे अगर वो इंडिया के बाहर किसी और ने किया है. आप उस इंसान को घसीट के इंडिया में लेके नहीं आ सकते हैं. और मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन करूंगा जब सारे फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या हमारे इंडिया में जो फॉरनर्स आते हैं उनको भी फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, और अगर हाँ तो क्या सारे दिए जाते हैं. तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. फिलहाल आर्टिकल 14 सबको क्लियर हो गया बेटा? आर्टिकल 14 मतलब क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ. अच्छे से बताना. इंडिया के बाहर हमारे पास ह्यूमन राइट्स तो हैं. हाँ, इंडिया के बाहर बेटा आपके पास ह्यूमन राइट्स हैं. अब ये ह्यूमन राइट्स का क्या बवाल है यार? हमारा यूनाइटेड नेशंस जो है ना वो बहुत सारे राइट्स को ह्यूमन राइट्स बोलता है. सपोज करो कि ये पूरी पाई ह्यूमन राइट्स की है, ठीक है जी. और अगर कोई ह्यूमन राइट आपको वायलेट करता है ना तो उस इंसान के पास या उस कंट्री के पास एज अ पर्सन पावर होती है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है, जो जगह है नीदरलैंड्स में, वो वहां जाके अपील कर सकता है. दोबारा सुन लीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ह्यूमन राइट्स, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लॉ बनाती है. बट इसी में से ना एक छोटी सी पाई है, इसी को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है. क्योंकि सारे ह्यूमन राइट्स को तो लीगल बैकिंग देना इम्पॉसिबल है. तो हमारी कंट्री ने कुछ ह्यूमन राइट्स में से कुछ राइट्स को अलग किया और उन्हीं राइट्स को फंडामेंटल राइट का नाम दे दिया. फंडामेंटल राइट का मतलब हमारे लिए क्या? जो लीगली एनफोर्सेबल है, जो कि लीगली एनफोर्सेबल है. और मैं इन बाकी के ह्यूमन राइट्स को नॉट एनफोर्सेबल कह सकता हूं, बट इसका मतलब यह भी नहीं है
कि आप बाकी की ह्यूमन राइट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट ना कभी के बार बहुत सारी डायनेमिक जजमेंट दे देता है। अगर किसी इंसान के साथ बहुत गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोकने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट किसी भी ह्यूमन राइट को किसी भी फंडामेंटल राइट के नीचे प्लेस कर दे। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये केस 2021 का है, केस था डिवोर्स का, और डिवोर्स की पिटीशन में जो फीमेल पार्टी थी उन्होंने डिमांड करी सुप्रीम कोर्ट से कि सर माय आइडेंटिटी शुड बी केप्ट हिडन। क्यों भाई? क्योंकि उनका बोलना यह था कि यार इन इंडिया वेरियस स्टिग्मास आर कनेक्टेड विद अ डिवोर्सी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने बात समझी और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक इजाद किया, राइट टू प्रिवेसी। अब राइट टू प्रिवेसी देखा जाए तो एक ह्यूमन राइट है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं सर, राइट टू प्रिवेसी आज के बाद आर्टिकल 21 का पार्ट होगा, आर्टिकल 21 में ही आएगा राइट टू प्रिवेसी। तो इस तरीके से ना हमारा सुप्रीम कोर्ट जगह जगह पर कभी ना कभी आर्टिकल 21 का मैंडेट बढ़ाता रहता है। आज की डेट में बहुत सारे राइट्स जो रिटर्न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट आर्टिकल 21 का पार्ट बना दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसलिए एक स्टेटमेंट कभी के बार आती है, क्या स्टेटमेंट आती है, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स बट नॉट ऑल ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स में से ही फंडामेंटल राइट्स बने हैं, सारे ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल नहीं होते हैं। तो ये था आर्टिकल नंबर 14, सिंपल सी बात। इसके बाद चलते हैं आर्टिकल 15 की तरफ। आर्टिकल 15 क्या है? अब आर्टिकल 15 ना, फिलहाल आर्टिकल 14 में तो हम लोगों ने केवल इक्वालिटी ऑफ लॉ के बारे में बात करी थी, बट आर्टिकल 15 क्या बात करता है? आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन। ये केवल बात करता है डिस्क्रिमिनेशन इन एनी मैनर के बारे में। इक्वालिटी ऑफ लॉ के बारे में तो बात हमने कर ली, बट इट प्रोहिबिट्स बाकी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन। कैसे? बहुत सिंपल तरीके से यहां पर बात करी गई। क्या बात करी गई? आर्टिकल 15 बोलता है बहुत सिंपल शब्दों में कि सर रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, किसी भी आधार पर कोई भी इंसान किसी से भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यहां पर भी वो पांच ग्राउंड्स याद रखेंगे। रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स, RRCPS, इसको याद रखेंगे। ये पांच ग्राउंड यहां पर भी है, आर्टिकल 15 में भी है। कोई भी इंसान किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइव ग्राउंड्स। मैंने बोला डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक सेंस। अब आप मुझे आंसर देंगे, आप मुझे आंसर देंगे, सोचिए कि किसी भी इंसान को मैंने कोई पब्लिक प्लेस में जाने से रोक रहा हूं, तो क्या ये आर्टिकल 15 में आएगा? यस सर। मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं किसी भी इंसान को किसी पब्लिक प्लेस में जाने से रोक रहा हूं कि आप इस मंदिर में नहीं जा सकते, आप इस मस्जिद में नहीं जा सकते, तो क्या ये आर्टिकल 15 का पार्ट है? यस। शिवांगी जी यस बोल रही है, बाकी सब बच्चे? अरुणिमा भी यस बोल रही है। हो सकता है। व्हाट अबाउट सुविधा? आर्टिकल 15 का पार्ट सुविधा बोलती है, हो सकता है। अब एक और स्टेटमेंट सुनिए, अगर मैं किसी को टैंक से पानी नहीं लेने देता हूं, किसी घाट में नहाने नहीं देता हूं, वेल यूज करने नहीं देता हूं, तो क्या ये भी आर्टिकल 15 का पार्ट होगा? यस सर। अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को रोक रहे हैं तो ये हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे किसी रैंडम को रोक, किसी बेसिस पे तो रोकना पड़ेगा ना। वैसे कास्ट पे, रिलीजन में आपके पास पांच बेसिस आ गए ना, कोई और पांच बात उसके बाद हो ही नहीं सकता ना। रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, सोचिए पांच आधार हैं आपके पास। किसी भी इंसान को मैं इन पांच बेसिस पे ही रोक रहा हूं, मतलब इससे बाहर नहीं जा रही मेरी केस स्टडी। रेस है, रिलीजन है,
कास्ट है, प्लेस ऑफ बर्थ है, नहीं तो सेक्स है. मैंने बोला अगर इन पांच बेसिस में मैं किसी को किसी पब्लिक प्लेस पर जाने से रोक रहा हूं, आपने बोला यस इट कवर्स, इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 15. सेकेंड आई आस्क्ड इफ आई एम प्रोहिबिटिंग द एंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन टू लाइक टैंक्स, वेल्स और घाट्स और एनीथिंग, तो विल इट कम अंडर सेक्शन 15? ऑफ कोर्स. तो मैंने यहां पर साफ साफ पहली बात कर दी थी कि यार डिस्क्रिमिनेशन इन एनी मैनर, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर इंडिया में होता है, इट इज वेल कवर्ड अंडर आर्टिकल 15. एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फाइव ग्राउंड्स. बट यहां पर अगर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी के साथ, तो क्या मैं वो कवर करूंगा? नहीं, ये ह्यूमन राइट में चला जाए. सोचिए कि आप किसी मंदिर में गए और किसी मंदिर में ना लाइंस लगी हुई थी दो, ये बिल्कुल खाली थी, आप यहां पे चले गए और यहां वाले गार्ड ने आपको दोबारा से इसी लाइन में भेज दिया, बोला ये लाइन नंबर वन है जनरल पब्लिक की, लाइन नंबर टू है वीआईपी की, जिनके पास या तो बहुत पैसा है, नहीं तो हमको बहुत दान देते हैं, केवल वही लोग आ सकते हैं, बाकी जनरल लोग तो लाइन नंबर वन में लगेंगे. तो क्या आप इस तरह के सिस्टम के लिए आर्टिकल 15 में जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस डाल सकते हैं? नहीं, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन कवर नहीं करता बेटा ये, क्योंकि ग्राउंड तो इसने पहले ही लिख दिए ना. यस, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स. इसके अलावा अगर कोई और डिस्क्रिमिनेशन है, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है, मैंने बोला एमपी एमएलए की लाइन है बस ये, तो कोई और किसी और तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इसमें कवर नहीं होता है. दोबारा सुन लेना बेटा ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके की केस स्टडी आ सकती है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन इसमें कवर नहीं होता है. सबको समझ में आ गई बेटा आर्टिकल 15 क्या बात करता है? Yes. चलिए इसके बाद चलते हैं आर्टिकल नंबर 16 की. आर्टिकल 16 क्या बोलता है? पब्लिक. आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी. वो तो सारी बात कर रहे हैं, बट किसकी इक्वालिटी? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमने सर हम ना मतलब बीइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन पांच ग्राउंड के बेसिस पर किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाले हैं जहां तक सरकारी नौकरी की बात आती है. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब गवर्नमेंट जॉब्स. जहां तक मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करता हूं, किसी भी इंसान से मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं सर मैं आपको एज अ पब्लिक एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप इस रिलीजन से आते हैं, आप इस रेस से आते हैं, आपका डिसेंट मतलब रेजिडेंस आपका ये है, या आपकी कास्ट ये है, या आप एक फीमेल है, मैं इसलिए नहीं कर सकता हूं. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर आर्टिकल 16 में. बट यहां पर ना सुप्रीम कोर्ट ने हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर मुझे ये बताइए, बस एक मुझे बस एक चीज का आंसर दे दीजिए कि हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट क्या था 1950 में, हमारे इंडिया में 1950 में लिटरेसी रेट क्या था? तो सरकार ने बोला सर अगर लिटरेसी रेट की बात करते हैं ना, मतलब हमारे इंडिया में पढ़े लिखे लोग, तो 1950 में ये रेट 18.3% था. अब कितना है? 2022 का डेटा है मेरे पास, सॉरी अपनी 23 का, अब ये भी एक इंडेक्स आया है और 2023 बोलता है 79% आज के डेट में लिटरेसी रेट है. मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं बेटा, मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं. पर्टिकुलर स्टेट में तो केरला सबसे आगे है, वो तो सभी को पता ही है, मगर अपन बात कर रहे हैं अपने लिटरेसी रेट on the basis of a country, when I'm talking about the whole country. तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार तुम बड़ी बड़ी बात कर रहे हो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी रखेंगे, सबको एक साथ अपॉइंट करेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, समझ में आता है आपकी बात. मगर अगर मैं 1950 के बारे में बात करूं तो आप डायरेक्टली मतलब देखा जाए तो 82% पॉपुलेशन को तो आपने बाहर कर दिया ना, क्योंकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो केवल पढ़ा लिखा इंसान जाएगा
और आपके बेसिस में देखा जाए तो इंडिया में तो 18.3% है लिटरेसी रेट उस टाइम पर, तो 82% लोगों को तो बाहर कर दिया ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप बीइंग अ गवर्नमेंट किसी से कोई भेदभाव नहीं कर रहे हो? अब यहां पर समझ में आ गया सरकार को, और इसलिए आर्टिकल 16 इज द बेसिस। For reservations, for backward classes in India, साफ साफ यहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर बैकवर्ड क्लासेस को तो आपने बाहर कर दिया ना, खासकर कि वो शूद्राज या वो चांडालाज और वो निषेध जिनको हमने कभी सोसाइटी में पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं दिया, वो लोग तो गवर्नमेंट जॉब से बाहर हो गए ना। सबको बेटा समझ में आ रहा है? आज हमारी कंट्री में रिजर्वेशन है आर्टिकल 16 के बेसिस पर। तो ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, रिजर्वेशन अच्छी है या गलत है वो तो आपका टॉपिक है। जब आप लिखेंगे आंसर इस पर, आपने को वैसे मेरे हिसाब से तो 150 वर्ड्स पर इस पर आंसर भी तैयार कर लो कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया, इंडिया में आप क्या देखते हो कि क्या रिजर्वेशन का फ्यूचर है, इसके ऊपर एक आंसर तैयार कीजिए। और मैं तो सभी बच्चों को बोलूंगा जो डेली आंसर राइटिंग स्किल्स आप लोगों को करना ही करना है, मतलब अब डेली बेसिस पर एक एक आंसर तो लिखने की आदत डाल ही लो, तभी आप लोगों के आंसर राइटिंग स्किल में परफेक्ट हो पाओगे। जुडिशियल सर्विसेज है बेटा, यहाँ पर प्री के बाद आप लोगों को मेंस में आंसर लिखने हैं, तो अगर आपके आंसर परफेक्ट नहीं हुए ना, और आपके आंसर में दिखना चाहिए वो क्रेजीनेस इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्मेशन लाने की, बट इतना ज्यादा रिफॉर्मेशन मत लेके आना जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा ना हो, तो वो डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए कुछ जो सोशल इश्यूज इंडिया में चल रहे हैं उसके ऊपर आंसर जो है वो बनाना शुरू कर दीजिए। सोशल इशू में एक तो मैंने रिजर्वेशन आपको बता ही दिया, इसके साथ साथ में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जितने रेसलर्स बैठे हैं प्रोटेस्ट में, उसके ऊपर भी एक आंसर आप लोगों को लिखना चाहिए, और क्या हमारा जो लॉ सिस्टम है वो क्या कर सकता है उनके लिए एज अ रेमेडी, इसके ऊपर भी मेरे हिसाब से एक आंसर तैयार करके रख लीजिए अभी से कि आप क्या आंसर उसमें लिख सकते हैं। 150 से 250 वर्ड्स में एक प्यारा सा आंसर अगर आप लिख के भी ले आओ ना, तो मैं आपकी कॉपीज भी इवेल्युएट करने के लिए तैयार हूं, बट लिखने की आदत डाल लीजिए। आर्टिकल 16 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन चलते हैं आर्टिकल 17 की तरफ, और आर्टिकल 17 बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सिंपल है, इसमें कोई क्या कहते पेच नहीं, अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म्स इंडिया में आपने अबॉलिश किया है। कोई भी अनटचेबिलिटी इंडिया में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी तरीके की, इन ऑल फॉर्म्स का मतलब इन ऑल फॉर्म्स किसी भी तरीके की कोई भी अनटचेबिलिटी अगर आप परफॉर्म करते हैं इंडिया में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो सब चीजें यहां पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उसके लिए हमारे पास अलग से लॉ है, और हो सकता है कि आपको उस लॉ के अंडर हम लोग जेल में डाल दें, और कोई भी इंसान जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस में जेल गया है वो कभी भी किसी भी या अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस पे उस पर फाइन लगा है, तो ऐसा इंसान कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब या इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अनटचेबिलिटी का ऑफेंस मतलब आपका पूरा करियर खराब। आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बात करता है, इट प्रोहिबिट्स द टाइटल्स। टाइटल्स कौन से टाइटल्स, कोई है आपकी जो मुझे अच्छे से मुझे अपना बता सके कौन से टाइटल्स? पहला तो मैं आपको बता देता हूं, ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर ने जो भी आपको टाइटल दिए थे, जैसे कि नाइटहुड का टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को, राय बहादुर, खान बहादुर, वीर, सर, कुछ इस तरीके के टाइटल्स ब्रिटिश एम्पायर सबको देता रहता था, तो वो टाइटल अगर आपके पास पहले के है तो आप वो एज अ टाइटल यूज नहीं कर सकते। जैसे कि नवाब, राजा, महाराजा, इस तरह के टाइटल्स इंडिया में लगाने क्या कहते हैं अपना इलीगल है, आर्टिकल 18 बैन करता है। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया, सेकेंड कोई मुझे बताएगा इसके अलावा और कौन कौन से टाइटल्स इंडिया में आप यूज नहीं कर सकते हैं? Yes? सोचो यार, मतलब अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए घूमने के लिए, सॉरी घूमने तो नहीं बोल सकता हूं मैं,
हिरोशिमा में जो G7 कंट्रीज की मीटिंग थी वहां गए, और G7 कंट्रीज की मीटिंग के बाद वो निकल गए सीधा पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्थ में एक कंट्री पड़ती है छोटी सी, पपुआ न्यू गिनी। और इस पपुआ जो न्यू गिनी के आसपास के 13 और देश, उन सभी के प्रेसिडेंट भी उनसे मिलने पहुंचे यहाँ पर। और ये 14 की 14 कंट्रीज प्रेसिडेंट से जब मिली तो बहुत सारी कंट्रीज ने हमारे प्रेसिडेंट को अवार्ड दिया। सोचो कि अगर किसी कंट्री ने हमारे प्रेसिडेंट को कोई टाइटल दिया होता, मतलब किसी कंट्री ने अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई टाइटल दिया होता, तो क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर वो टाइटल एडॉप्ट कर सकता है? अवार्ड तो कर लिए चलो, अगर कोई कंट्री किसी को सिविलियन अवार्ड देती है तो वो तो आप एक्सेप्ट कर लिए, बट अगर वो टाइटल देना चाहती है तो क्या आप टाइटल अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं, क्लोज टू मी, नो सर, सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फॉर मेरी फॉरेन स्टेट। हाँ, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स इंडियंस, यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, इट प्रोहिबिट्स इंडियंस फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन टाइटल। साफ साफ यहां पर लिख दिया गया है। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आर्टिकल 18 कवर नहीं करता है, इट डज नॉट कवर सिविलियन अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड्स का मतलब भारत रत्न, हाँ मतलब रत्न बोलते हैं इंग्लिश में तो हम रत्न ही लिखेंगे, पद्म विभूषण या पद्मश्री, विभूषण तो भारत भूषण, सॉरी पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, तो पद्मा के नाम से 3 अवार्ड है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, ये आप एज अ टाइटल यूज कर सकते हैं इंडिया में, वैसे अगर आपसे पूछूं तो? यस, यस सर, हम कर सकते हैं। सुविधा जी ने बोला नहीं सर, एज अ टाइटल तो यूज नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट यू मैम? सर कर सकते हैं, इट डज नॉट कवर बेटा, बट फिर भी आपको बता दूं, आप इनको भी एज अ टाइटल यूज नहीं कर पाएंगे। ये आपको दिए जाने के बाद भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं होता है, इट इज स्टिल द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। और इसका किसी भी तरीके का अगर आप मिसयूज करते हैं तो ये अवार्ड आप लोगों को दिए जाने के बाद वापिस भी लिए जा सकते हैं। बट अच्छी बात क्या है जो यहां पर लिखी हुई है कि आर्टिकल 18 इस बारे में कुछ नहीं बोल, मतलब क्या, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारी चीजें एज अ टाइटल तो आप यूज नहीं कर सकते हैं इंडिया में। ये बात तो क्लैरिटी से समझ में आती है। और उसके लिए हमारे पास ना एक अलग से लॉ है जिसको आप लोग सिविल अवार्ड्स पढ़ेंगे, सिविल अवार्ड्स और सिविल कोड है हमारे पास, एक अलग से सिविल अवार्ड कोड, और उसमें सेक्शन 9 है जो ये सारी चीजें आप लोगों से मना करता है कि आप बिल्कुल नहीं इसको यूज कर सकते एज अ टाइटल। इसके साथ साथ में वीर चक्र, अशोक चक्र, पद्म वीर चक्र, कुछ इस तरीके के जो सैनिक सम्मान होते हैं ना जिसको आप लोग, ये सारी चीजें भी आप एज अ टाइटल यूज नहीं कर सकते हो। पहली बात तो आप एज अ टाइटल ये सारी चीजें यूज कर ही नहीं सकते हो। मगर क्या ये आर्टिकल 18 कवर करता है? तो वो आप बोलेंगे नहीं सर, आर्टिकल 18 तो केवल दो ही चीजें कवर करता है, पहला ब्रिटिश एम्पायर ने जो टाइटल दिया हो, और दूसरा ये, अगर कोई भी आपको टाइटल देना चाहती हो तो वो आप यूज नहीं कर सकते, ना आप ले सकते। इसके अलावा इंडिया में आप कोई भी सिविल, सिविल के साथ मैं यहां पर मिलिट्री भी जोड़ देता हूं, मिलिट्री ऑनर्स,
इंडिया में जो मिलिट्री ऑनर अवार्ड है, जिसमें जैसे कि मैंने बोला पद्म, सॉरी अशोक चक्र, पद्म वीर चक्र, हाँ, तो ये सारी चीजें भी आप इंडिया में एज अ टाइटल यूज नहीं कर सकते हो, बट आर्टिकल 18 बैन नहीं करता, उसके लिए हमारे पास अलग से लॉ है। आर्टिकल 18 तो केवल बैन करता है दो तरह की चीज, ब्रिटिश एम्पायर ने अगर कोई टाइटल दिया हो, या अगर कोई टाइटल किसी इंडियन को किसी फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट करना, तो वो आप लोग नहीं ले सकते। यहां तक बेटा सबको समझ में आता है? ये फर्स्ट क्लास में अभी आप लोगों ने पहला ही फंडामेंटल राइट कवर किया है मेरे साथ, अभी 5 और कवर करने, मतलब एकदम से कवर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे एक नए क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है। अभी केवल पहली कैटेगरी हमने कवर करी है, 5 और कैटेगरी कवर करनी। जब सिविल अवार्ड एक्ट पढ़ेंगे इंडिया में आप, तब मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। हमारे इंडिया सिविल अवार्ड एक्ट है, फिलहाल अभी पढ़ना मत, मतलब सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया एक्ट है, 1954 में आता है, उसमें सेक्शन 9 है, सेक्शन 10 है, जो आप लोगों को बोलता है, मतलब सेक्शन 9 तो बोलता है कि भैया तुम कर ही नहीं सकते, सेक्शन 10 बोलता है अगर आप करते हो तो, पहली बात तो ये सिविलियन अवार्ड आपको दिए कौन, मतलब ये आपको दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर ये आपको दे सकता है तो वो आपसे वापिस भी ले सकता है। तो ये सेक्शन 10 सेक्शन 9 में मतलब रिटर्न है। फिलहाल जब इसके बारे में बात करेंगे अच्छे से, सिविलियन अवार्ड्स अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, केवल यहाँ पे समझाने के लिए बोल दिया था कि आर्टिकल 18 में ये सब चीजें कवर नहीं है। फिलहाल ये जो फाइल है ये आप लोगों के ग्रुप में आ जाएगी करंट अफेयर समेत, जो चीजें एक्स्ट्रा मैंने बोली है वो आप लोगों को लिखना है, क्योंकि सारी चीजें तो देखो मैं लिख नहीं सकता हूं, कोशिश करूंगा सब लिखने की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट फिर भी कॉपी पेंसिल लेके साथ में बैठेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस। Thank you.